हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर, स्टूडेंट अड्डा के ऊपर। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स, और उसके अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। 10.2 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ईजीएस एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? स्टार्टिंग 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक, ठीक है? तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे, कहते हैं, चैनल को। एंड स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है कुछ इस तरीके से। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं अपना डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। चलिए हम क्या करते हैं, अपना देखो सर्कल बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है? अब सर्कल बनाने के बाद उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है? क्यू पॉइंट से, कोई 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 क्यू पॉइंट है हमारा यहाँ से, तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे जो टेंजेंट जा रही है उसकी लेंथ दे रखी है 24, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है? इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने, 25 दे रखी है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब बताइए कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, तो भाई यहाँ पे होगी ना रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब ये कहते हैं जो सर्कल है, ठीक है, तो हमने क्लास 9th में भी उस टाइम थ्योरम्स पढ़ी थी, 10th में भी हमने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है? फर्स्ट थ्योरम 10.1 थ्योरम ये कहती है कि सेंटर से जाने वाली जो कहते लाइन होती है, सेंटर से जो कहते टेंजेंट पे कोई लाइन पड़ती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सेंटर से टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनस का मान लो, अभी इसका मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ओ, ये मैंने दे दिया ए पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट था। तो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू पाइथागोरस लगाते हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे ए क्यू के स्क्वायर के बराबर प्लस ओ ए के स्क्वायर के बराबर। ओ क्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमें निकालनी है। ये हो गया 625, है? और इधर मैं ले आता हूँ माइनस, इसका होता है हमारा 576, और इक्वल टू हमारा, एक मिनट रुकिए, इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा यहाँ से 49 आ जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए कितना आ गया आपका, 7 आ गया, 7 आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10 पॉइंट फिगर दे रखी है हमारे, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट एट अ सर्कल। अब देखिए यहाँ पे सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सेकंड थ्योरम मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको। सेकंड थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉइंट से, ठीक है, आपकी टेंजेंट जा रही है, तो अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है तो दोनों इक्वल होंगी सर्कल के ऊपर, तो ये और ये, ठीक है, क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो सेकंड थ्योरम भी मैंने यहाँ पे समझा दी, फर्स्ट मैंने पिछले क्वेश्चन समझा दी। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन में वापस। कह रहा है कि टी पी एंड डी क्यू दो टेंजेंट है सर्कल सेंटर ओ, सच डेट एंगल पी ओ क्यू। अब सर यहाँ पे क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला जो हम सेंटर पे एंगल कितना बनना हमारा, 110 बन रहा है, तो बताइए पी टी क्यू कितना होगा हमारा, पी टी क्यू कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की तरह बनना काम कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की मैं बात करूँ तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल पी, एंगल टी निकालना है हमें, तो एंगल पी ओ क्यू माइनस कर दीजिए यहाँ पे, इसमें 180 में से, तो 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। देखिए 70 डिग्री ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पी। इस तरीके से बहुत सिंपल है, देखते ही कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट ओ, बना लेते हैं, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, ये कैसा बन रहा है, ये कैसा सर्कल है, एक मिनट रुको, ये कैसा सर्कल आया। चलिए शेप पे जाते हैं, हाँ भाई, चलिए ये आ गया हमारा सर्कल। कह रहा है कि इफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट पी, ठीक है? तो यहाँ से हमने ड्रॉ करी अपनी टेंजेंट्स, ये रही टेंजेंट और ये आई हमारी दूसरी टेंजेंट। यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक तरफ ए और यहाँ पे एक तरफ बी, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे यहाँ पे कहीं पे सेंटर भी है ओ। चलिए आर इंक्लाइंड सच डेट द सच डेट 80 डिग्री पे है, मतलब यहाँ पे इसे जोड़ दीजिए। इस बार कह रहा है कि हमारा जो है इस बार वो कितना है, हमारा 80 डिग्री है, कितना है, ये पूरा 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों। तो कह रहा है कि एंगल, एंगल ये एंगल है हमारा यहाँ पे, क्या है ये एंगल, है एंगल पी ओ, एंगल पी ओ, पी
ओ ए, मतलब कि ये हमें यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा 80 डिग्री का है और पूछ रहा है कि पी ओ ए बताओ, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल, ठीक है ये वाला एंगल। अब देखो बेटा वो ध्यान समझना, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करूँ, बहुत ध्यान समझिएगा आप इस चीज को, कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करूँ, और उससे पहले समझो आप कि ये जो आपका है ये 80 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा आपका, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा बच गया आपका 100 डिग्री का। भाई अभी पिछले क्वेश्चन इतना ही तो करा हमने, इधर 80 है तो इधर कितना बचेगा, 180 माइनस 80 माइनस कर दो 100 बच गया। चलो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करने जाता हूँ, तो मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे वो देखिए, क्या ए पी बराबर पी बी हो जाएगी बाय थ्योरम नंबर सेकंड हो जाएगी। चलिए क्या ओ ए बराबर ओ ए है रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या ओ पी बराबर ओ पी है, तो बाय ट्रिपल लेस कॉन्ग्रेंसी क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसका मतलब कि अगर ये 100 डिग्री है तो 100 डिग्री डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए फिर से हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ इस चीज से, समझ में आ गया। भाई कुछ नहीं करना है हमें, इतनी बार पता होनी चाहिए कि वहां पे जो एंगल आता है आपका इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, तो इधर वाला कितना होगा आपका 100 डिग्री होगा। अब 100 डिग्री है तो यहाँ पे अगर इस टाइप से एंगल बनते हैं तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान समझेगा इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है जी, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो आप क्या करिए, आप एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है सर्कल हमारा थोड़ा अच्छा सा नहीं बना भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ी अभी हाथ नहीं बैठ रहा, एक सर्कल ले लिया हो गया। आप क्या कह रहे हैं कि हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो लाइन भी ले लेते हैं, लाइन भी नहीं आ रही, एक लाइन यहाँ ले ली और एक लाइन यहाँ ले ली। कह रहा है कि एक सर्कल के लिए आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करी है एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर ये हो गया इसका, इस डायमीटर के दोनों तरफ आपने क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट क्या कर दी आपने, ड्रॉ कर दी भाई, एक ये रही टेंजेंट, एक टेंजेंट आपकी ये रही, ठीक है चलो थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको टेंजेंट को ताकि दिख जाए। अब मान लेते हैं एक टेंजेंट होगी ए बी, एक टेंजेंट होगी सी डी, एक टेंजेंट होगी सी डी, और डायमीटर इसका ले लिया मैंने पी क्यू, कितना ले लिया पी क्यू डायमीटर ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ओ हो गया, सेंटर हो गया। चलिए तो गिवन क्या है, गिवन टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, सी डी विद सेंटर ओ। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना नहीं है, प्रूफ में आ जाइए प्रूफ। अब देखिए जरा ओपी जो है यहाँ पे, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ओपी क्या होगा हमारा रेडियस है, और ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, वैसे उधर उधर का भी होगा ना, कि हम एक तरफ की बात कर रहे हैं अभी। सिमिलरली इसे फर्स्ट मान लीजिए, सिमिलरली जो हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू नीचे की तरफ रेडियस है और परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, तो एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, ठीक है, बट These are alternate angles. अब ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। भाई देखो दो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे एक ट्रांसवर्सल जा रही है, और दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो दोनों लाइन है वो क्या है, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस सिंपल सा इतना करना है, ठीक है समझ में आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चलो देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक साथ देख लीजिए, एक हमारे पास ऐसे सर्कल था, टेंजेंट दे रखी थी दो, ठीक है हमें प्रूफ करना कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है, एक बार ऊपर की तरफ से देखा तो ये वाला एंगल लिया, एक बार इधर से देखा तो ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर आ गए, हमने ये दिखा दिया। और अगर ये दोनों एंगल लेकिन अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है हमारे टेंजेंट्स हैं, ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव डेट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना रहे हैं टू द टेंजेंट, वो सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। वो कह रहा है कि भाई ये बात हमें पता है, ये हमसे नहीं कि प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि जो भी परपेंडिकुलर आप कहते हैं ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, जहाँ पे टेंजेंट आपकी मिल रही है सर्कल से, वो सर्कल से ही निकलेगी, ये हमें पता है, सबको पता है ना। देखो लेकिन हमें ये हर चीज करके दिखानी होती है मैथ के अंदर। तीन तीन लाइन का जोड़ के दिखा देगा और बोल देगा कि भाई दिखाओ सर कि ये ट्राइंगल के आपका वो है क्या है, रेक्टेंगल है, तब भी हमें दिखा दिख रहा है हमें, लेकिन दिखाना पड़ेगा, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। चलो जी मैंने यहाँ पे क्या करा, आपकी टेंजेंट ले ली, ठीक है, यहाँ पे ओ ले लिया। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, गिवन क्या है, गिवन मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये कितना है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये बी, ए यहाँ पे क्या है हमारा बी, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो गया पी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल था विद सेंटर ओ, हमने यहाँ पे ओपी यहाँ पे ड्रॉ करी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इट मीन्स यहाँ समझिएगा, गिवन में आ जाएगा कि एंगल एंगल ओ पी हमने ड्रॉ करा है इतना, ओ पी बी हमारा कितना है 90 डिग्री का, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब टू प्रूफ ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो भी आप ड्रॉ करोगे, मान लो मैं कह रहा हूँ वो से नहीं कर रहा, ओ डैश सर्कल से कर रहा है, ओ डैश से कर रहा है, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा साइड में होगा क्योंकि हमारा थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, तो थोड़ा साइड से जाएगा, मतलब सेंटर से नहीं जा रहा, बहुत पास से जाएगा, तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो टू प्रूव ये कह रहा है कि वो हम उसने कहा है कि यहाँ से दिखाना है कि वो ओ से ही जाएगा, लेकिन हम कह के चल रहे कि ओ डैश से जाएगा, हम कह के चल रहे कि ओ डैश से जाएगा, ठीक है। चलिए तो टू प्रूफ जो भी है वहां पे हमें यही दिखना है दोबारा से, ठीक है। अब आ जाओ अपना यहाँ पे प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आप ये देखेंगे कि जो ओ डैश है, ओ डैश है पी, ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो एंगल ओ डैश पी बी कितना हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया भाई, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, बट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी बी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल, दिख रहा है ना आपको, देखो भाई ये 90 डिग्री है ये है, ठीक है, क्लियर हुआ भाई, ए वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर देन है इस चीज से, इस चीज को ध्यान से समझो आप, ठीक है। चलो अब इस चीज को आप कैसे दिखाएंगे जी, ठीक है, आप ध्यान से समझ आओ। और दूसरी चीज इक्वेशन नंबर हम देखो, अब देखो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी देखो जरा ध्यान से कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी, क्योंकि ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, दोनों 90 के बराबर आ गए ना, अब दोनों 90 के बराबर आ गए, दोनों बराबर एंगल है। अब यहाँ पे हम इसके आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली, या ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिख सकते हैं, चलो दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ ओ एंड ओ डैश आर को इंसिडेंट पॉइंट, क्या है को इंसिडेंट पॉइंट, इट मीन्स क्या करेगा कि जो सेंटर है वो, हम जो हमने प्रूव करने के लिए बोला है वो वाली लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है जैसे सिंपल है वो चीज को प्रूफ करवाने के लिए बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चन आगे को सॉल्व करने वाले। द टेंजेंट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4, बहुत सिंपल सा है, लैंग्वेज में घुमा रहा है, कुछ नहीं करना है,
क्या करोगे? वैसे मैं सर्कल बना देता हूँ पहले अपना। चलो जी सर्कल बना दिया। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ले लिया, मैंने पॉइंट ले लिया। पॉइंट क्या है हमारा, मान लेते हैं पॉइंट ए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इस लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, 4। ये दे रखी है 4, ये दे रखा है 5, ये निकालनी है। बहुत सिंपल सा है भाई, 5 के स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। 5 के स्क्वायर में से 25 में से 16 माइनस करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, ये ओ है, तो ओ भी निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये 2023 के लास्ट ईयर का जो 2000 पेपर था आपका, ठीक है, उसके लास्ट ईयर 2023 के सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन था ये। चलिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दो सर्कल है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, एक दूसरे के अंदर इस टाइप से सर्कल जो होते हैं, चलिए उसे बना देते हैं एक बार। पहले तो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं और एक छोटा सर्कल ले लेंगे इसके अंदर। चलिए जी, चलिए बेटा कुछ इस टाइप से इसकी शेप है। कंसेंट्रिक सर्कल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेडियस 5 एंड 3, रेडियस 5 का मतलब क्या है कि एक बड़े वाले की तो 5 होगी, छोटे वाले की कितनी होगी आपकी, 3 होगी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका कितना, 3। इधर से आप अपना ड्रॉ करिए, ये आपने, एक मिनट, ये आपने ड्रॉ कर दिया, इधर से आपने अपना ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इधर से आप अपना ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज द, जो क्वेश्चन में पूछा है मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना दिया। अब सांस समझो, ये हो गया आपका सेंटर, कितना सेंटर, ओ हो गया। मान लेते ये कॉर्ड होगी ए, ये कॉर्ड होगी बी, ये पॉइंट हो गया पी। देखो क्या कह रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल है 5 और 3 रेडियस के, तो ये 5 हो गई, ये आपके 3, आपने 2 रेडियस बना दी 5 और 3 की। इसके बाद उसने पूछा है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ जो उसके नीचे से टच टच करके जा रही है, छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट की तरह काम कर रही है, लेकिन बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की तरह काम कर रही है। वही मैंने देखो डायग्राम बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जरा देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी बी, अब क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ बी कितनी है, 5, उसका स्क्वायर। ओ पी कितनी है, 3, उसका स्क्वायर प्लस पी बी, हमें निकालनी, पी बी नहीं है पता, तो पी बी निकल के आ जाएगी। पी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 मतलब कि 16 आ जाएगी। और पी बी कितनी आ जाएगी हमारी, पी बी आ जाएगी हमारी कितनी, ये हटा दो यहाँ से, पी बी आ जाएगी हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, बोलिए इसकी डबल। अब ध्यान समझो, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कहते हैं यहाँ पर है तो बाइसेक्ट करेगी, पी बी बराबर पी ए, हमने पढ़ा अभी करा है क्वेश्चन सॉल्व, एग्जाम्पल सॉल्व करा था लास्ट वीडियो के अंदर। ये बराबर इसके होता है, बाइसेक्ट कर दिए यहाँ पे, 90 डिग्री इधर भी है, 90 डिग्री इधर भी होता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी मतलब कि ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये चीज का ध्यान रखिएगा आप कि सेंटर से पड़ने वाली लाइन कोई भी टेंजेंट पे पड़ेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर वो कॉर्ड है तो हमेशा उसको बाइसेक्ट करने वाली है, ठीक है, जैसे हमने पहले ही प्रूव करा था, तो इधर करके हमने इसको प्रूव करा दिया था, ठीक है, लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही बता देता हूं मैं आप सभी को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेरे हुआ है, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के बराबर आने वाला है। आप देखो बेटा बहुत सिंपल सा कैसे करने वाले हैं, गिवन आप करेंगे यहाँ पे, गिवन क्या करेंगे, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डी टचेस टचेस सर्कल, टचेस सर्कल कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, टचेस सर्कल एट ए बी एट पी, टचिंग सर्कल ए बी एट पी, बी सी एट क्यू, ठीक है, सी डी एट आर, सी डी क्या कर रहा है, सी डी ओ आर पे कर रहा है, एंड एंड ए डी एट एस,
टू प्रूफ आप लिख देंगे क्या कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी ये आ गया। प्रूफ कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना, आप देखो यहाँ से प्रूफ में आ जाइए, ध्यान समझिएगा इस चीज को। अगर ये मैं ए वाले पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की, तो इससे दो टेंजेंट निकल गई सर्कल के लिए, एक ये निकल गई और एक ये निकल गई, निकल गई एक ये और एक ये। तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ क्या कि ए पी बराबर ए एस के होगा, ए पी बराबर ए एस के होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जाने वाली कैसे टेंजेंट हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए पी बराबर किसके हुआ, ए एस के हुआ। चलो अब बी पॉइंट को कंसिडर करो, क्या बी पॉइंट से पढ़ने वाली दो टेंजेंट दिखाई दे रही है, एक ये और ये दिख रहा है। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं हम पी बी पी इधर से इधर आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा। ऐसे ही अब ऊपर से देखिए क्या सी आर आ जाएगा इज इक्वल टू सी क्यू के बराबर, और क्या डी आर आ जाएगा हमारे किसके, डी एस के बराबर। आगे दो सबके लिए क्या लिखेंगे, रीजन सबके एक साथ लिख सकते हैं आप, टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट पॉइंट्स नहीं पॉइंट आर इक्वल, लिखिए सबका एक पॉइंट लिख दिया। चलिए अब आप क्या कीजिए, इन इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। आपने क्या नाम दिया इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐड 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर दीजिए। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इस तरीके से कर दिया। बेटा देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, सी आर प्लस डी आर क्या बनाएगा, सी डी बनाएगा, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ये दोनों क्या बनाएंगे, ए डी बनाएंगे, दोनों में एस कॉमन है, और बी क्यू सी क्यू क्या बनाएगा, बी सी बनाएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, देख लीजिए जरा चेक कर लीजिए, यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो बहुत सिंपल तरीके से हो गया, इतना सा काम करना था इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, इन द फिगर, फिगर हमें दे रखी है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तो ऊपर टेंजेंट जा रही है एंड एक्स डैश वाई डैश हमारी नीचे एक टेंजेंट जा रही है। टू पैरेलल टेंजेंट है विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी टेंजेंट हमारी ऐसे जा रही है, देखिए आपके साइड से जा रही है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट यहाँ पे सर्कल को भी टच कर रही है सी पे। एक्स वाई एट ए जे पॉइंट दे दिया, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये 90 डिग्री का बनाना है, कि 90 डिग्री का है। तो टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए और गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल पैरेलल टेंजेंट्स विद सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल की कहते हैं दो टेंजेंट्स हैं सेंटर ओ के। कंस्ट्रक्शन हमें करना करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसे ओसी को, क्या करेंगे ज्वाइन ओसी को, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन ओसी। प्रूफ में आ जाइए, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ओ पी ए, ओ पी ए इन ट्राइंगल ओ पी ए ये दिखाई दे रहा है ऊपर का ओ पी ए, और ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, और इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट कराने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो क्या पी ए बराबर ए सी होगा, देखो पी ए या पी ए नहीं कहते हैं इसे, ए सी बोलते हैं, ए पी बराबर ए सी होगा, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए और क्या कह सकते हो, चलिए आगे बताइए, आगे क्या दोनों में ओ ए कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, देखो जरा दोनों में क्या ओ ए कॉमन है, ओ ए दिख रही दोनों में, इधर भी है इधर भी है। अच्छा ओ पी इधर से देखो रेडियस है सर्कल की, ओ सी इधर से रेडियस है, तो ओ पी बराबर किसकी आ गई, ओ पी बराबर किसकी आ गई, ओ सी की आ गई, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ
सेम सर्कल, और ये क्या है हमारा कॉमन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो बाय ट्रिपल लेस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। और अगर कॉन्ग्रेंट हो गया है तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान समझिए बेटा इस चीज को, ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल वन है और ये एंगल टू है तो एंगल वन किसके बराबर हो गया, एंगल टू के। एंगल वन किसके बराबर हो गया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। क्लियर हुआ? अच्छा, सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल थ्री है, ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर है, तो मैं नीचे भी ऐसी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो नीचे भी के लिए भी मैं ऐसी लिख देता हूँ सिमिलरली, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी से हुआ ये। सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, एक लाइन में पढ़ने वाले सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पे हम लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू इज डायमीटर, और डायमीटर एक लाइन है, इसका मतलब सभी एंगल का सम कितना होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल वन और एंगल टू बराबर है, यहाँ पे देखो एंगल वन और एंगल टू क्या है, बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल टू प्लस एंगल टू, और ऐसा लिख सकता हूँ एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री फोर को भी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू इधर जाएगा डिवाइड में, 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, टू आई एंगल टू और एंगल थ्री आ गई, टू और थ्री का सम क्या है, टू और थ्री किससे मिलके बने हैं, एंगल ए ओ बी बना रहे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे से समझ में आ गया, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर ध्यान से एक बार देख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो बेटा, लैंग्वेज तो बहुत आपको लग रही होगी, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एंगल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पर, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, रेडियस की वजह से, वो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री पे आएंगे दोनों सब। तो मैं जल्दी से ये कहते हैं सर्कल ले लेता हूँ भाई, और आपको जल्दी से डायग्राम समझा देता हूँ कि क्या करना है आपको। और चलिए, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये हो गया तो आपका सेंटर ओ, यहाँ पे ये आ गया ऐसे, ये आ गया आपका ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है आपका टी, कितना पॉइंट है टी, यहाँ हो गया आपका ओ। तो गिवन क्या है, गिवन इंपॉर्टेंट है, गिवन क्या है, टू टेंजेंट्स ए टी एंड टी बी विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड ओ ए एंड ओ बी बी रेडियस ऑफ सर्कल। टू प्रूफ में आपको करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा सा कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ में दिखाई दे जाए। चलिए, प्रूफ में आ जाइए, इन इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए टी बी, बेटा सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल
एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी टी प्लस एंगल बी टी ए, बी टी ए या टी बी ए जो भी है ठीक है, ए टी बी प्लस एंगल एंगल ओ ए टी कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखो, जहाँ से हमें किस किस को निकालना है, हमें ए ओ बी और ए टी बी इन दोनों सम को निकालना है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी टी ए ठीक है प्लस, अब ओ ये कितना होगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री, और ये कितना होगा, ये ओ बी होगा हमारा 90 डिग्री इजल टू 360 डिग्री ठीक है। क्यों होगा, अब रीजन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है। रीजन यहाँ पे आप लिखेंगे कि ओ ए इज परपेंडिकुलर किस पे है हमारा, ए टी पे है, ए टी पे है, एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर किस पे है, टी बी पे है ठीक है। तो थ्योरम 10.2 से थ्योरम 10.2 से ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या होगा, 10.1 से 90 यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एंगल ए ओ बी, इसको मैं नाम अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, एंगल ए टी बी ठीक है इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री इजक्वल टू 180 डिग्री आ गया, हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी इतना करना था आपको, इतना हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। क्लियर हुआ बेटा आप सभी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है कि प्रूव कर लीजिए कि एक पैरेललोग्राम जो कहते हैं एक रोम्बस को कहते सर्कमस्क्राइब कर रखा है, वो एक रोम्बस है। तो क्या करते हैं बेटा, एक अपना ना बना लेते हैं, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ पर एक सर्कल कर लेते हैं ड्रॉ। चलिए पैरेललोग्राम की बात कर रहा है ना, तो एक काम करते हैं, कुछ इस टाइप से आपकी शेप जाएगी, इस टाइप से यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपका ए, क्या हो रहा है इसे हटाओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पर एस, यहाँ पे ठीक है। तो वही चीज लिखनी है गिवन के अंदर जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 का रिपीट लिखेंगे। गिवन अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच टचेस सर्कल सर्कल सच डेट ए बी एट पी, बी सी एट क्यू, सी डी एट आर एंड ए डी एट एस। टू प्रूव, अच्छा गिवन में एक और चीज, पहले अभी इसे हटाइए, गिवन में एक और चीज है, उसने क्या कहा है कि ए बी सी डी से पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी चाहिए हमें यहाँ पे, तो उसके बिना तो होगा नहीं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ में आ जाइए, और टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो बराबर हैं, अब अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस के लिए हमें यह प्रूफ करना है कि इसकी जो साइड वाली है ना एंगल, ये वाली साइड इसके बराबर भी है, ये वाली साइड इसके बराबर भी है। तो टू प्रूफ में आना है हमें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी ठीक है, या सारी साइड इसकी क्या कर दो, इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी की सारी साइड इसकी क्या है, बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाइए, अब वही वाली चीज लिखनी पड़ेगी हमें यहां से, कि ऊपर से देखिए जरा, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा, क्या ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही क्या हमारा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। रीजन अभी मैं बताऊंगा सबकी, अभी आपको पता है वैसे, सी आर इज इक्वल टू यहाँ पे सी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 ठीक है, एंड डी आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी एस के हो जाएगा। बेटा इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कैसे ले रहे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टेंजेंट्स फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इनके पॉइंट्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब क्या समझो, मैंने जैसे लिया एपी तो मुझे जो अगली अगली क्वेश्चन लेनी है ना, मुझे बीपी लेनी है, ना कि मैं पहले बीक्यू ले लूँ। अगर बीक्यू आपने जल ले लिया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऐड करने में दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, फिर नहीं होगा। चलिए अब क्या करें, वन टू इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड 1 2 4 सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी प्लस बी पी हमारा कितना हो गया, ए बी हो गया। सी आर प्लस डी आर हमारा कितना हो गया, हमारा सी डी हो गया। ए एस और डी एस मिला के बनेंगे ए डी के बराबर, और ये बना हमारा बनेगा बी सी के बराबर। बट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे क्या ले सकते हो, ए डी प्लस ए डी, ये ले सकते हो ना फ्रॉम फर्स्ट। वहां पे ये क्या है, चाहे तो अपना यहाँ पे से इक्वेशन नंबर ए ले लेना, यहाँ पर इक्वेशन नंबर एक बड़ी इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ए आपने कह दिया, तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, टू से टू कटा, ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया ए डी के। अगर अब एडजेसेंट साइड्स बराबर आ गई हैं, ए बी बराबर किसके आ गया हमारा ए डी के, ये बराबर आ गया हमारा इसके साइड वाली के, इसका मतलब आगे सारी साइड्स भी क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बस क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, वो हमने यहीं तक रोक गए थे, इसके आगे बस इतना पार्ट करना है उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 12 को आप एक साथ कर सकते हो 11 को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉइन, एक ट्राइंगल बनाया गया है जो सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है, इस टाइप से रेडियस 4 दे रखी है, ये पार्ट इसका 4 दे रखा है, सच डेट द सेगमेंट बी डी एंड बी सी इंटू बीच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट, यहाँ पे इसे डिवाइड कर रहा है इधर 6 और इधर 8 में, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फाइंड साइड ए बी एंड ए सी, हमें अदर दो साइड निकालनी है पूरी पूरी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, ध्यान समझिएगा इसको। अब देखो, गिवन क्या है यहाँ पर कि जो सी डी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी डी कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, एंड ओ डी रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है हमें इस बारे के बारे में। और यहाँ पे हमें निकालना है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सीधा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके बिना होगा नहीं। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे, आप ना बेटा इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और इधर भी ज्वाइन करेंगे, क्लियर हुआ, इतना कर देंगे ज्वाइन। इसके बाद अब आपके सामने 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये रहा ओ सी बी, ओ सी बी, एक ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ ए बी। अब जैसे इसकी एक हाइट आ रही है ओ डी, ऐसे इसकी भी तो एक हाइट होगी बेटा, और ऐसी क्या इसकी भी तो एक हाइट होगी, इसे ऐसे जोड़ दीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, क्लियर हुआ, इसको इधर जोड़ना है और इसको इधर जोड़ना है। तो मान लेते हैं इधर पॉइंट आ रहा है आपका ई पॉइंट, इधर आपका पॉइंट आ रहा है एफ पॉइंट, इधर क्या आ रहा है ई और इधर क्या आ रहा है आपका एफ पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन आपको करनी है ज्वाइन ओ ई एंड ओ एफ, ठीक है, इसके अलावा ओ सी एंड ओ बी, इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे। अब आ जाइए जरा अपने प्रूफ के अंदर, अब जरा देखिए सी पॉइंट से सी ई और इधर से सी डी, क्या दोनों टेंजेंट की तरह काम कर रही है, क्या दोनों टेंजेंट की तरह काम कर रही है, टेंजेंट की तरह काम कर रही है तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी ई, सी डी किसके बराबर है सी ई के बराबर, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया आपका 6। अच्छा ये ओ डी थी 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। अच्छा ऐसे ही जो आपका बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ गया आपका 8। अब आपके सामने बस एक पार्ट बचता है वो वाला ऊपर वाला ए ई और ए एफ वाला, तो उसे लेट कर लेते हैं, लेट
ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। और बेटा इन तीनों में ही रीजन एक लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आप बहुत सिंपल सी बात समझो, अब आप दो ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। एक ट्राइंगल का एरिया तो होगा आपका हीरोंस फॉर्मूले से, बड़े वाले ट्राइंगल को निकालना एबीसी। दूसरा होगा आप इस ट्राइंगल को ना दो हिस्सों में तोड़ रहे हो, तीन हिस्सों में तोड़ रहे हो, उन तीनों को अलग अलग निकालो फिर तीनों को ऐड करो। बहुत सिंपल सी बात है, मैं करके दिखाता हूँ अभी। देखो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बाय हीरोंस, बाय हीरोंस पहले एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। अब देखो ए क्या यहाँ पे साइड है, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, बी कितना है 6, अब ये x माना है ये भी x माना है, तो 6 प्लस x, 6 प्लस x इधर से 8 प्लस x, तीनों साइड का सम हो गया अपॉन में 2, 14 प्लस 6 20 28, और यहाँ से 2x, ये हो जाएगा 28 प्लस का 2x बाय 2, कॉमन लेंगे 2 ऊपर से तो 14 प्लस x आ जाएगा आपका s, क्या हो गया x आ गया सभी कहीं पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद होगा आप लोगों को क्लास 9 से आपने पढ़ा था, ठीक है एस माइनस सी। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए जल्दी से, यहाँ आ जाएगी आपकी अंडर रूट के अंदर एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस x। अब 14 प्लस x माइनस ए, ए आपने क्या लिया है 14 नहीं है, पूरा पूरा 14 ले लीजिए, पूरा पूरा आ गया माइनस हो जाएगा। अगला 14 प्लस x माइनस क्या करेंगे 6 प्लस x, तो माइनस का 6 माइनस का x। अगला 14 प्लस x माइनस क्या करना है, क्या करेंगे बताइए जल्दी से, 8 माइनस का x, ऐसे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस x, यहाँ से 14 से 14 गया तो क्या बचेगा एक सिंगल x बचेगा, यहाँ से 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, और x से x कटेगा यहाँ पे आएगा इंटू में 8 इंटू में, यहाँ पे फिर से x कटेगा तो यहाँ पे आएगा इंटू में 6। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो 6 × 8 48, 48x, यहाँ पे आएगा 14 प्लस x, इतना रखना है, यहीं तक छोड़ दो अभी से, ठीक है बेटा यहीं तक छोड़ देना अभी, इसका और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। चलिए ये तो होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका, वो तीन ट्राइंगल में बट गया है ओ ए सी, ध्यान से समझोगे इस चीज को भी, इसको मैं इधर करता हूं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इन तीनों ट्राइंगल, ये वाला, ये नीचे वाला और एक इधर के साइड वाला, इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसका बेस कितना है भाई, इसका बेस है पूरा कितना ए सी, ए सी क्या हो गया 6 प्लस x, और इसका हाइट कितना हो गया 4 प्लस ए सी, इसमें आ जाइए इसकी हाइट इसका कितना हो गया 14 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 बाय 2 इंटू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 प्लस x इंटू में 4, बेटा 2 से यहाँ पे 4 काटेंगे 2 आएगा, ठीक है तो ये आएगा 6 प्लस x इंटू में 2, प्लस 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 28, प्लस यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 प्लस x इंटू में 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस 2 x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2 x, कितना आ गया 2 x, 2 x कितना आ गया 4 x, प्लस 28 और 12 40 कितना आ गया 56, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 4 कॉमन है तो x प्लस 14, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आपने एक एरिया ये निकाला, आपने एक एरिया ये निकाला, दो एरिया आपके सामने हैं, दोनों एरिया को क्या कर दो आप, इक्वेट कर दो, ठीक है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4x प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 48x 14 प्लस x, और हमें अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बॉथ साइड आप करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इधर आ जाएगा x+14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, 14+x इतना आ जाएगा, इसमें कोई डाउट? चलिए अब देखिए, 16 से काटा 48 को तो कितना आएगा, 3 टाइम्स पे कट जाएगा, तो x+14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x 14+x। बेटा एक स्क्वायर से यहाँ पे ये वाला पूरा काट सकते हैं, तो 3x इज इक्वल टू x+14, इसे इधर ले आएंगे तो ये जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 14, दिस गिव्स x इज इक्वल टू कितना, 7, x कितना आ गया आपका 7। अब हमें इसकी साइड्स निकालनी थी, तो साइड्स क्या क्या थी इसकी, 6+x और 8+x। अब देखो यहाँ से, एक तो थी ए सी और एक थी ए बी, ए बी थी 8+x और ये थी हमारी 6+x, इज इक्वल टू 6+7 इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 8+7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, देखो लॉन्ग क्वेश्चन था अब तक का, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे आप सर्कल बनाएंगे पहले अपना एक, चलिए जी सर्कल बना लिया। अब आपको क्या करना है, अपना वैसे ही ड्रॉ करना है एक सर्कल, क्या बनाएंगे आप यहाँ से, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल टाइप। चलिए सारा खेल यहाँ पे डायग्राम का रहेगा, मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए पी आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो रहा है कि जो इनकी अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल, अपोजिट साइड्स के जो एंगल का सम है, मतलब कि ये और ये हमें कितना दिखाना है, 180 दिखाना है, कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। तो अभी तो मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। देखो अब यहाँ से आप इसको रेडियस को ज्वाइन करेंगे, देखो मैं बाद में सब ये ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे, ये चारों तरफ से ज्वाइन कर दें आपको इस चीज को, ठीक है। चलो गिवन कर लेते हैं, गिवन बिल्कुल सेम आएगा, दो बार हम लिख चुके हैं, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सच डेट पॉइंट टच कर रहे हैं पी पे, ये सब चीजें आप लिखेंगे दोबारा से अपने आप। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में आएंगे आप, कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है क्या, ये ओ है, अगर ये ओ पॉइंट है, क्या है आपका, ओ पॉइंट है, बीच में सेंटर पे क्या है आपका, ओ, ठीक है। तो आप करेंगे यहाँ पे ज्वाइन ओ एस ओ आर ओ क्यू एंड ओ पी, इनको ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है। टू प्रूफ जो है वो आपका ये कह रहा है एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, कितना है 180, ये वाला ए ओ बी, ऊपर वाला डी ओ सी, या आप ये भी कर सकते हैं कि ए ओ डी ले लीजिए और बी ओ सी ले लीजिए, आपको एक चीज करके दिखानी है। प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आप आएंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा, ए ओ एस, ए ओ एस इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, देखिए मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये वाला ट्राइंगल और एक बार ये वाला ट्राइंगल, दोनों साइड साइड वाले ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कि ए एस जो है वो बराबर है किसके, एपी के, ए एस किसके बराबर है, एपी के, ठीक है। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम इसको आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे अपना, ठीक है, जब आप करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ओ एस बराबर ओपी लिख रहा हूँ, ओ एस बराबर ओपी, रेडियस हो गई आपकी, और दोनों में ओ ए कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है आपका, कॉमन है। क्लियर हुआ? तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ट्राइंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ पी। अब अगर मैं इनमें ट्राइंगल्स में एंगल ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल कितना हो गया, 2,
तो मैं एंगल वन किसके बराबर कह सकता हूँ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्लियर हुआ। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल अगर यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फोर है तो बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पर एट है, ये सब चीजें बराबर हो जाएंगी आपस में। सिमिलरली लिखेंगे अब यहाँ से हम, सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, इसके बाद एक मिनट, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंड एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल एट, इसे मान लेंगे पूरी फर्स्ट इक्वेशन, ये और ये दोनों क्या हो गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब बेटा सेंटर पे यहाँ पे देखो पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट कितना होगा, 360 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए वो देखिए, आप हमें चाहिए टू और थ्री, ए ओ बी में क्या क्या आएगा, टू और थ्री, ऊपर से चाहिए सिक्स और सेवन, ठीक है। तो इधर से वन नहीं चाहिए तो वन को हम क्या लिखेंगे, एंगल टू लिखेंगे प्लस एंगल टू। हमें फोर नहीं चाहिए तो वहां पे हम एंगल थ्री लिखेंगे, हमें फाइव नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम एंगल सिक्स लिखेंगे, एंगल सिक्स फिर से। हमें सेवन चाहिएगा लेकिन हमें एंगल नंबर एट नहीं चाहिए, एंगल नंबर एट। कहाँ से आए अब ये सारे के सारे, ये सारे आपके जो आए हैं ये आपके आए हैं कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। आपने कहाँ से डाला इनको बाकी सबको, आपने फ्रॉम फर्स्ट से। चलिए अब ट्वाइस ऑफ इन सबका देखो डबल डबल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 360 डिग्री। एंगल टू प्लस एंगल थ्री मिलके क्या बनाएंगे, एंगल ए ओ बी प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरीके से हमने कहते हैं वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, देखो एक बार में ओवरव्यू ये रहा पूरा, ठीक है, क्वेश्चन का इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो चुका है और पूरी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली है बेटा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर, जैसे कि मैं डिस्कस करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका एट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, लास्ट के छह सात क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते रहते हैं, ठीक है। आपकी दो थ्योरम से, थ्योरम 10.1 एंड 10.2, आप एक बार उन्हें जरूर कर लीजिएगा, और तीन एग्जाम्पल जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होती हैं मैं उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।